पंजाबी संगीतक परिवार को पंजाबी जगत को सरदूल सिकंदर वर्गे जिहड़े महान इदां दे फनकार कलाकार ने ये एक बहुत वड्डा गवैया सी गायक सन साढ़े लोग कलाकार इन्हां दे विच संगीत कुट कुट के पर ऐसे एक संगीत का समुंदर सन ये 16 कला संपूर्ण सी संगीत दे विचों देखो इदां दे कलाकार जिहड़े सरदूल भाजी वर्गे ये हजारां सालां बाद हजारां मीलां ते करोड़ां लोकां दे विच इक पैदा हुंदे ने जिहड़े सरदूल भाजी सी सानू पंजाबी संगीतक परिवार नू परिवार नू पंजाबी जगत नू पंजाबी मां बोली दे झोली पता नहीं होर किन्ने के अनेक गीत पाउणे सी परमात्मा ने इहनां नू होर बहुत लंबियां उमरां देणियां सी। नूरी भैन जी ने देखो अपने पति परमेश्वर लई वैसे कुली च बैठी पत्नी भी अपने पति लई सब सेवा करदी है। उन्होंने अपना किडनी भी इहनां नू दित्ती भी लंबी उमर हो जाए होर लंबी उमर भोग जाण नहीं परमात्मा नू इह उहनां दे कर्मां च नहीं सन परमात्मा नू जो मंजूर बाकी एक रुत्ते तुर गए बेर उत्ते तुर गए आ कहिंदे इस धरती की कंड ते पए कई सिकंदर सुते आखर सभना ने तुर जाना आपो अपनी रुत्ते वो पक्के पाना का कुछ नहीं हुंदा जो बेले सिर तुर जाते बहुता दुख उन्हां दा पंछी तुर गए जिहड़े करोते बड़ा करोता तुर गए ने बड़ी होर इन्हां नू इन्हां दी लोड़ सी पंजाबी जगत नू पंजाबी संगीत परिवार नू साडे वर्गे लोगों नू क्योंकि साडे नाल बड़ा प्यार सी। एक कल्ले गायक नहीं सी वड्डे ये समाज सेवी ये दिल दे बहुत अमीर सन वड्डे सन जे गरीब कलाकार दे कोई दुख सुख हुंदा उह शरीक हुंदे जे किसी नू किसी पैसे दी लोड़ हुंदी वित्तीय सहायता करदे दिल खोल के दान करदे सी दानी बहुत वड्डे सी हर एक दे इक पहले बोल ते पहले सद्दे ते आउंदे सन साडे वर्गे असीं उदों असीं गाउण लगे लगे सी मैरिज ते सद्दा दिता कार्ड दे के पहले बोलते तीन तीन घंटे उत्ते गाया हर दुख सुख च आउंदे सी भी इन्हां दा ना जे किते प्रोग्राम हुंदा पता लगदा वी अज इहदे घरे परमात्मा ने कोई बख्शिश कीती खुशी आ अद्धी रात नूं ही कुंडा खड़कांदे सी बहुत दुख भी है ते बड़ा घाटा पंजाबी दुनिया च पंजाब वसाई बैठे पंजाबियां नूं ना इदां दा कोई गायक मेरा ख्याल आ वी इक सदी लगू वंड ते लोक गीत वर्गे लोक गायक सन ने अमर रहणगे सारी जिंदगी लोग इन्हां नूं याद रखणे जद तक जग रहेगा दुनिया रहू उद तक सरदूल सिकंदर जी दा नाम रहेगा। यही अरदास करदा सच्चे पातशाह अगे भी परमात्मा इन्हां दी रूह नूं शांति देवे परिवार नूं भाणा मन दा बला बख्शे ते इन्हां नूं अपने चरणां दे विच स्थान बख्शे। धन्नवाद जी। ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਦੂਲ ਜੀ ਨਾਲ ਕਦੋਂ? ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਉਦੋਂ ਢਿੱਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਐਤਕੀ ਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਜਗ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਸਰਦੂਲ ਭਾਅ ਜੀ ਐਡਮਿਟ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਫੋਰਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਘਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਅ ਜੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਫਿਰ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਹੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਸੀਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਸੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜੀ।